नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के कासन गांव में, जहां इन दिनों बाबा चौरंगीनाथ जी का वार्षिक मेला लगा हुआ है। बाबा चौरंगीनाथ जी को भक्त पूरन मल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। हम जानते हैं बाबा जी के, हमें बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। आज यहाँ इतना भव्य मेला लगा हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ बताए कि कब से मेला लगना शुरू हुआ। बाबा जी का मेला बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बहुत सदियों से लगता है। बाबा जी बहुत एक सिद्ध भगवान है और ये सियालकोट के राजा के बेटे हैं और भक्त पूरन मल है, इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। दर्शकों, यहाँ आए हुए भक्तों ने हमें बताया कि जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी सोचकर आया, बाबा जी के सामने नतमस्तक होते हुए इस दरबार से उसे सब कुछ मिला। तो आइए हम सभी अपनी संस्कृति की महत्ता को जानते हुए बाबा चौरंगीनाथ जी के चरणों में नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि यूं ही सफर बनाए रखें। आज यहाँ कासन गांव में अद्भुत दृश्य है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं। यहाँ आए हुए भक्तों से हम पूछते हैं कि आंटी जी, आप हमें बताइए कि यहाँ आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम बहुत दिन से आते हैं। बाबा से जो भी मांगते हैं वो सब देता है बाबा। आप आशीर्वाद कैसे देना चाहेंगे अपने बच्चों को? अपने बच्चों सबने आशीर्वाद के लिए सबने टाइम पे बुलाए। मैं यहाँ काफी दिन से आ रहा हूँ, तो मेरा यही गाँव है। ये मंदिर सदियों से चलता है। इस मंदिर का ये चीर टूटी से और मंदिर तक हो बनता है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपना धागा बांधते हैं, कोई कपड़ा बांधता है, कोई कुछ। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो धागा खोल के जाता है और अपना प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। हम कई सालों से यहीं पे आ रहे हैं, 200 साल हो गए। हम जो मनोकामना करते हैं हमारी पूरी हो जाती है। ये ना बाबा, ये पूरन मल है ना, इनसे जो भी मांगो सच्चे दिल से सारी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। आज तक कभी सुना नहीं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सब अपने सच्चे मन से जो भी मांग के आते हैं वो पूरा करके ही जाते हैं।
बाबा विश्व महाराज के बारे में जो भी मांगा है वो मेरी दो इच्छाएं पूरी हो गई है। इसी श्रद्धा से मैं यहाँ आई हूँ ताकि मेरी दो इच्छा पूरी हो जाएं। बाबा विश्व महाराज सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटा जी बाबा विश्व महाराज पे यहाँ पे इच्छा पूरी हो जाती है। दर्शकों, ये वो पवित्र वृक्ष है जहाँ पर बाबा चौरंगीनाथ जी के लिए ये जो ऐसे कि आप देख रहे हैं ध्वज बांधा जाता है या मन्नतों के लिए धागा बांधा जाता है। सभी श्रद्धालु जो भी यहाँ पर आता है वो अपनी मन्नत पूरी होने के लिए बाबा से आग्रह करता है और यहाँ पर एक धागा बांधता है, और ऐसा माना जाता है कि मन्नत पूरी होने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस धागे को खोलते हैं और बाबा चौरंगीनाथ जी का, भक्त पूरन मल जी का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, हम दर्शन कर रहे हैं हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के कासन गांव में, जहां बाबा चौरंगीनाथ जी का वार्षिक मेला लगा हुआ है। ये मेला 3 दिन तक चलता है और यहां पर संध्या के समय दंगल का आयोजन भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना रमणीय स्थान है ये, चारों तरफ हरियाली, और यहां पर अपने ही देश से नहीं दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। हम यहां कासन गांव में हैं इस समय, जहां इन 3 दिनों तक ये कही है कि बाबा के श्रद्धालु इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाती, और लोगों का ऐसा कहना है श्रद्धालुओं का कि चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, लेकिन बाबा की इतनी कृपा होती है कि चाहे वो यहाँ पर कैसे भी आए उनको किसी भी मुसीबत का या तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और भक्तों का ऐसा भी कहना है कि जब से वो यहाँ आना शुरू हुए हैं उनकी तमाम तकलीफें बाबा ने स्वयं ही दूर कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर अपने बाबा जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, और इतनी भीड़ में भी आश्चर्यजनक बात ये है कि यहाँ किसी भी भक्त के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। चारों तरफ बस लोगों में एक उत्साह है, अपने बाबा जी के प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है।